हाँ साहब, केंद्र सरकार द्वारा वक्त की संपत्ति को लेकर कानून लाया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे? देखिए, मैं अक्सर इस बारे में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, तो हम लोगों ने एक पंजाब में इसके बारे में कमेटी गठित की है। तो पहले हम लोग आम लीडरों की तरह नहीं कि जिस तरह कुछ लोग कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम चाहते हैं कि पहले बाकायदा क्लॉज बाय क्लॉज उन मुद्दों को पढ़ा जाए, उसमें क्या फायदे की बात है क्या नुकसान की बात है। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि जब भी कोई कानून आता है तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो मैं तमाम लीडरान से पहले ये कहना चाहूँगा कि वो जो बिल्कुल बुनियादी बात है कि भी वो कौन से मौजूद या कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, या वो कौन से ऑब्जेक्टिव है जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, उनके ऊपर बाकायदा संजीदगी के साथ, एक तो होता है ना डिबेट कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊँ आप मुझ पर, वो नहीं, बाकायदा संजीदगी से जब तक आप इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ इसका रास्ता नहीं। मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देखिए मुसलमानों ने हमेशा ही सारी अदालतों के फैसलों का सम्मान किया है, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है तो हम उसका भी सम्मान। यूपी के सीएम ने एक बयान दिया है कि फटेंगे तो फटेंगे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की अब जनता जो है बहुत ही समझदार है, लोग तालीम और हॉस्पिटलिटी के ऊपर तवज्जो देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, तो इसलिए ये तो आवाम की बात है कि आवाम इसको किस अंदाज के साथ। आप आवाम को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं एक मजहबी रहनुमा होते हुए सबसे पहले नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें कुछ करती हैं, लेकिन अब ये लोगों ने जहनियत बना ली कि भी सब कुछ सरकार ही करे। क्या सरकार सड़क पे लकीर खींच सकती है, लेकिन उस लकीर के ऊपर चलना किसको है? वो हमें और आपको ही चलना होगा। सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला सकती है, लेकिन नशे से बचना किसको है? मुझे और आप सबको ही बचना है। नौजवानों को कहता हूँ कि दो चीज़ें, एक तो वो शिक्षा को अपना मूल मंत्र बनाए, और दूसरी बात ये कि जो नशा तेजी से पूरे मुल्क में बढ़ रहा है तो उसमें नशा बेचने वालों से ज़्यादा उसको जो हिमायत करने वाले लोग हैं, क्योंकि अक्सर जो मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वहाँ हमने देखा कि अगर तो आपकी बिरादरी का बंदा या आपका कोई करीबी कोई नशा तस्कर है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर कोई और है तो लोग शोर मचाएंगे। तो जब तक आप गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, अपना हो या पराया हो, बुराई को बुराई समझिए, नेकी को नेकी समझिए। नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि मुल्क को आने वाली नस्लों की बहुत अच्छी ज़रूरत है, जिस तरह भारत जो है आगे तरक्की कर रहा है, तो इसलिए लोगों को ये चाहिए कि सबसे पहले नौजवानों को नशे से बचाएं, सभ्यत रहें, अपने अपने धर्म में रह के दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। Yeah.